वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन की जो ऑटोमेशन लाइब्रेरी पीवाई ऑटो जीयूआई, उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आप स्टार्ट पर जाइए, सीएमडी टाइप कीजिए और कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लीजिए। तो पीवाई ऑटो जीयूआई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने से पहले आपके जो सिस्टम है उसमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिए और वीडियो के एंड में भी मैंने आपको लिंक दे दिए, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैंने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल किया है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पाइथन लिख दीजिए तो ये दिखाएगा पाइथन 3.7.2 मेरे जो सिस्टम है उसमें इंस्टॉल है। तो अब कंट्रोल जेड टाइप करके यहाँ से बाहर निकले। अब हमको पाई टू जी आई जो लाइब्रेरी है उसे इंस्टॉल करना है, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आप लिखिए पिप इंस्टॉल पाई ऐटो जी आई। तो ये पाई ऐटो जी आई जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो रही है। तो ये जो हमारी पाई ऑटो जी आई ये जो लाइब्रेरी है इंस्टॉल हुई है। तो हम अभी इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ कि इसे इंपोर्ट कैसे करना है, हुई क्या नहीं हम चेक करते, एक बार वेरीफाई कर लेते। पाइथन टाइप कीजिए और इंपोर्ट पाई ऑटो जी आई। अगर विदाउट एरर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो आपकी जो पाई ऑटो जी आई ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब ये जो पाई ऑटो जी आई ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगली ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इससे ऑटोमेशन कैसे करते हैं।